पता नहीं कितने साल हो गए साथ में कर रहे हैं. Yes, yes. We have done some wonderful work with Shreya Ghoshal's Hamnasheen. That was the Ghazal album when we started working yes. together. और उसके बाद हमने काफी सारे launches किए so that media can come and people like you who love good music can come and see the video for the first time. This is a preview for you, and after that it will be available on YouTube and all the platforms. To get associated with legends like you also, I will be. I'm blessed to be part of this. Thank and you. I have called my friends from Dubai. They are again music lovers. They want to join the industry, do some beautiful music with Saims and others. One is Amandeep Singh and one is Ahuja Ji. I would love Thank to. Thank you. I will call down. You on stage later. down. And they have supported every time. And we, as a my company name is Third Rock and Music Factory. We make some lovely music recently. आपको शायद के बारे में इतना कुछ आता भी है, मोहब्बत भी है आपको. It's a dream come true for me to have a ghazal written by me and sung by Hariji, who does the maximum justice that can be done to the words. Alfaz ko ki numaindagi kaise ho suron mein aaj ke daur mein bahut kam log jante hain, and I feel very blessed. I want to thank everyone here. These boys have worked so hard. I can't tell you how happy I feel about the passion that runs in this Hariharan family, and each one has done their job so beautifully. I've had a lovely experience with Times Music earlier. We made a shaad in 2011, and Rekha ji sang three ghazals in that with another ghazal singer, Sudeep Banerjee. And so I think this journey has been in the field of ghazals very rewarding, I would say. क्योंकि गज़लों से मोहब्बत करने वाली तादाद कम नहीं होनी चाहिए कभी भी, और जब तक आप लोग हैं ऐसा होगा भी नहीं. मैं शुक्रिया करना चाहूँगी मेरे बड़े अजीज़ दोस्त वीपी गुप्ता जी का और कृष्णा जी का. ये जब हमारे साथ जुड़े और इस प्रोडक्शन में इनकी कंट्रीब्यूशन ना होती तो शायद हम पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट ना कर पाते. इन्होंने बहुत बार साथ दिया. थैंक यू वेद जी. थैंक यू वेरी मच. वेलकम हरी जी. नमस्कार. अफसाने अमिता जी ने मुझे जिस दिन हमने कंपोज किया तो हम कहने लगे अभी क्या करें, इसको कंपोज तो हो गया है तो हम कहें कि एक सिंगल बनाते हैं और इसे रिलीज़ करते हैं. एक साल पहले कहा था मगर हो गया. जी 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 बिल्कुल. ये कहूँगा कि मैं इसमें प्यार का इजहार है, हर पहलू प्यार का जो हर शेर में, तो उसी तरीके से हमने इसे कंपोज़ किया है और गाया भी है, कोशिश किया है. और बस आपको अच्छा लगे, लोगों को अच्छा लगे, आप सभी को अच्छा लगे. इसका वीडियो भी बहुत अच्छा बन गया है और हमारे वीडियो के डायरेक्टर भी यहाँ हैं, अतीत. और मुझे तो बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आपको अच्छा लगेगा. लेकिन यू नो हम तो देखेंगे, लेकिन दो लाइनें अगर जैसे इन्होंने सुना दी, शायर ने तो सुना दी, अब गायक भी और कंपोजर भी बस दो लाइनें ऐसे ही हमें सुना दे बहुत अच्छा लगेगा. शिद्दत शौक अफसाने तो हो जाते हैं, शिद्दत शौक अफसाने तो हो जाते हैं, फिर न जाने कहीं, फिर न जाने वही आशिक कहाँ खो जाते हैं. शिद्दत शौक के अफसाने तो हो जाते हैं. वाह वाह बहुत अच्छे. और मैं वहाँ उधर कहीं देख रही हूँ, क्या इसमें सब मसाले ठीक से पड़े हुए हैं? ऑल इंग्रेडिएंट्स आर राइट? जब डैड ने कंपोज किया था गाना, तो जब मैंने मेलोडी सुना था तो मुझे एक बहुत
एम्बियंट सा अरेंजमेंट दिमाग में आया, मतलब इट समटाइम्स जस्ट प्लेज इन योर हेड एंड सो आई वेंट विद दैट आइडिया. वो आइडिया के साथ मैंने काम शुरू किया और फिर लेयरिंग में बिल्ड होते 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 इतना अच्छा ब्लेंड मिला है मुझे. और टू वर्क विद डैड्स वॉइस इज वेरी इजी बिकॉज एवरीथिंग इज ऑलरेडी टेक्निकली. आपको कुछ ईक्यू करने का जरूरत नहीं, फिर पापा का वॉइस तो दैट इज अ बिग एडवांटेज. सो यू कैन फोकस योर हमारा फुल एनर्जी ऑन जस्ट द अरेंजमेंट एंड थोड़ा कंटेम्प्रेरी स्टाइल में पेशकश किए हैं हम लोग ने ये गज़ल की और ब्लेंड डैड का वॉइस के साथ मेरे हिसाब से बहुत अच्छा आया है. तो आई होप ऑल ऑफ यू गाइस लाइक इट एंड इट इज़ नॉट अ कन्वेंशनल वे टू अरेंज अ गज़ल. Yes, definitely. Thank you so much, Akshay, for this wonderful gift to thank us. You, thank you. And one question, how was your experience? You must have worked with him, or you must have heard him doing the riyaz. But, you know, working on a song, it's a different experience many times, you know. And with a father, and who also is such a great singer, as you said that, you know, kuch karne ki zarurat hi nahi hoti hai, wo pura aa jata hai. So sometimes when I have, jab mere kuch naye ideas hote hain music ke, to थोड़ा मैं नर्वस हो जाता हूँ डैड के साथ, बट वो पहले पहले होता था. अभी तो एकदम वी वर्क वेरी वेरी बिकॉज नो इट्स नॉट दैट, इट्स बिकॉज आई कैन सी दैट ही नोज ही लाइक्स माई वर्क. सो दैट गिव्स मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है उसमें कि इफ ही इज लाइकिंग इट तो इट्स ईजियर फॉर मी टू शेयर माई आइडियाज.